हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी जा रहे हैं हम, और लगभग पहुंचने वाले हैं। 16 किलोमीटर रह रहा है यहाँ से। हमको यहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा, सही है? यूटर्न लेना है? नहीं, सही चल रहे हैं। यूटर्न लेना है? नहीं नहीं, बताओ। अब चालू हो गया। हेलो गाइड्स, एक बार फिर हम आ चुके हैं यस लाइव ब्लॉग पर। ये हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, जो गुजरात बड़ौदा के पास आया हुआ है। और ये देखो, द्वार पर आ चुके हैं हम लोग। इस यहाँ से इधर पे एकता नगर रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से हमें हजरत निजामुद्दीन की ट्रेन मिलती है, एकता नगर एक्सप्रेस। ये है, ये एकता नगर रेलवे स्टेशन है गाइड्स, लेफ्ट साइड में। सरदार पटेल का स्टेचू बना हुआ है इधर, और यहाँ पर टेंट में रुकने की भी व्यवस्था है। टेंट सिटी बना हुआ है। ये सीएनजी पंप यहाँ पे, गैस सीएनजी, गैस का सीएनजी पंप भी है, पेट्रोल पंप भी है, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी, और अभी हमें पार्किंग में, और अभी हम यहां से बस करके जाएंगे। और यहां पे टोपी मिल रही, चश्मे मिल रहे हैं यहां पर। मैं को नहीं जरूरत, अरे नहीं यार, मैं करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए। अपन पीछे बैठते हैं। चलो अपन पीछे बैठे, तू बैठ जाना इधर, पापा जी साइड रहा है। एक साइड जाओ बेबी, तो पीलो ना, मत जरा सुन जाना, पीलो ज्यादा जबरदस्त है, ज्यादा जबरदस्त। हम पहुंच चुके स्टेट्स ऑफ यूनिटी, और ये रही जापान में जाना है, मतलब ये रही वो जगह। जब ये पानी भर के चलता होगा यहाँ पर, ये डैम जब ये पानी भर के चलता होगा तो ऊपर भी आता होगा, उनके पैर तक आ जाता है। यहाँ भी आ जाता होगा फिर तो पानी, जब बाढ़ आएगी, कितना बड़ा है। इनकी बैक साइड भी ओपन है, मतलब झांक सकते हैं पीछे से, जो जाली है ना, हां झांक सकते हैं। वहां जाती है लिफ्ट, वहीं तक जाने का है, सर तक जाने का है। हां सर तक, हां नहीं सर तक नहीं, देखना आप आगे। हम पैरों तक जा सकते हैं, फिर अंदर लिफ्ट है, पूरा जो बॉडी सब से इतना मजबूत है कि अंदर तक जा सकते हैं। अभी पोस्टर पर और दिखाते हैं आपको। है कौन है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चाहिए वो है, सभी राज्यों को तो एक किया था, तभी तो एक देश बना। इंडिया को संपूर्ण करने में इनका योगदान, छोटे छोटे रियासत
सब अलग अलग हाँ हिंदुस्तान कहलाता था लेकिन सब मतलब छोटे छोटे उसमें रियासतों में बटा था। तो गाइस हम कर चुके हैं अंदर और चेकिंग वैकिंग सब करा ली हमने भाई बैग वैग सब उतरवा लेते उन्होंने चेकिंग पर बट अब हम आ चुके हैं अंदर और ये रहे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और भाई यहाँ पर ही ये वाटरफॉल भाई काफ़ी अच्छा है देखने के लिए जगह घूमने के लिए जगह फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई अब भी आके एक्सपीरियंस करो अच्छी जगह ये भी और अभी चलते हैं वहाँ वहाँ पर उनके हट के पास जाएंगे हम वहाँ पर चलते हैं अंदर मज़े करते हैं गाइस देखिए कितना ऊंचा है ये भाई यहाँ से देखने में कितना बड़ा लग रहा है ये जो ऊपर वो लग रहा है ना ग्लास हां इसका उजाला नीचे आएगा वो लिफ्ट वहां है ना रिटर्न में लिफ्ट वहां रुकेगी तो यहां से ऊपर जाना है नहीं ना अभी तो देखो अंदर तक आते चल पैर के पास आ जाना 35 फुट ऊपर जाएंगे अच्छा और जब्बा का दूसरा बटन है ना वहां चलो ये इनका फेस है ये इन्हीं का फेस है हाँ उन्हीं का तो है पिशाब वगैरह करनी हो तो यहाँ है नहीं नहीं तो गाइस ये है उनका फेस अच्छा ये स्ट्रक्चर होगा ना पीछे जो ऊपर ये स्ट्रक्चर है ना इतना मस्त लग रहा है ना देखने में ये इनका फेस है कितना तुम लोग बैठो मैं इसको यहाँ घुमा लाता हूँ गाइस हमको पापा जी सब कुछ घुमा रहे हैं ये देखो दिखा रहे ना ये देखो ये थिएटर है ये इनकी मूवी चल रही है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मैन ऑफ एक्शन ये चल रही है मूवी तो मम्मी को बुला लेते ना यहीं बैठे देखता हुआ है कोई बात नहीं फिर दोबारा देख लेते ना 1947 को उनके जेल से बाहर निकलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय सैनिकों की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था जिससे एक समझौता हुआ जिसने भारत पर उनकी पकड़ को कमजोर किया और स्वतंत्रता के लिए रास्ता साफ होने लगा भले ही ब्रिटिश भारतीय जमीन से चले जाने को थे लेकिन सन ऑफ दिस सॉइल दिस इज द लाइब्रेरी ये क्या पापा जी बुक्स है ये बुक्स कहाँ है बुक्स है ये तो बुक्स थोड़ी ना है ये सब देखने के लिए है बुक शायद लग रहा था पूरा देखने में हाथ लगाया तो वॉल पेपर है एक ये अहमदाबाद की सड़कें क्या को पता है फाइंडिंग हिज मेंटोर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ये सब गुजराती इंग्लिश हिंदी सब में लिखा हुआ है इसी के ऊपर है स्टैचू इसी के ऊपर है यस काफ़ी टाइम लगा होगा ना इसको बनने में तो कहाँ कहाँ तक मार्बल लगे पड़े हैं ऊपर कलाकारी तो वही देखनी है इसका स्ट्रक्चर कैसे बना क्या अब यहाँ जाओ
So guys, ये है डैम। जब बारिश आती थी तब पानी खोलते हैं, तो मैं ये डैम आपको ना ऊपर से दिखाने वाला हूँ। ऊपर का व्यू देखते हैं, बहुत अच्छा है। कह रहे सुनने में आया कि बहुत अच्छा व्यू है ऊपर का, बट अभी ऊपर जाके सुनते हैं ऊपर का व्यू कैसा है। ये एंट्री है यहाँ से ऊपर की। So guys, ऊपर जाने के लिए लगी हुई है लाइन, तो अभी ऊपर चलते हैं। टिकट पहले करनी पड़ी इसको रिटर्न में, वो पाँव तक आना है तब यहाँ से। मैंने पहले इसमें नहीं जा सकते, सॉरी 150 वाला है। नहीं 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 हैगा हैगा, ये लो। ठीक है, ओके बाबा जी। सो गाइस, हम कर चुके हैं, हम जा रहे हैं अकेले ऊपर। मम्मी पापा नीचे रुके, बहन भी नीचे रुकी। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी ऊपर। कौन सा डोर है? अभी डोर में टच हो जाते तो ये रहा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगता है अंदर से। मजबूत बना रखा है उन्होंने यहाँ से वाई सब। तो पहले पूरा अंदर से रिकवर करते फिर वहाँ जाएंगे अपन। यहाँ पे लाइट्स लग रही हैं। ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पर। सही लग रही है, मस्त है ना। तो गाइस, वो है सामने डैम। अगर आपको एंट्री कराओ वो है सामने डैम, और हम आए यहाँ से। और भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है, अभी मैं और ऊपर भी जाना है यहाँ से। ये देखो, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर। हो भाई कितनी मुश्किल से बनाया होगा, भाई डर नहीं लगा होगा लोगों को बनाने में यहाँ पे। मेटल का है, मेटल का। बाहर चलते भाई, यहाँ पे गर्मी नहीं सही जा रही। अभी ऊपर जाने का है कि नहीं पता नहीं मेरे को भी। So guys, ये स्ट्रक्चर। So guys, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल स्टैचू के नीचे, और बिल्कुल स्टैचू हमारे ऊपर है। यार मम्मी कह रही थी यहाँ पर भी आएंगे, पर यहाँ तक तो मैं गया ही नहीं था। वहाँ वो जाली के पास ये धोती के बीच में गया रहा हूँ मैं, धोती के बीच में जीना। मुझे लगा भी नहीं मैं छाती तक गया हूँ इनकी। हाँ लिफ्ट से पहुँच गई, 10-15 सेकंड ही लगे थे। ऋषि कपूर आ जाओ, बाय, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, फिशिंग करने चले रही थी, फिशिंग करने। मछली आऊंगी ना पानी के अंदर, राफ्टिंग होगी। अब इतने में राफ्टिंग होगी, अभी बच के गिरने से। कौन चल रहा? गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ डैम। ऊपर से तो ज़्यादा दिख नहीं आता, पर यहाँ से भी ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। दिख रहा है वो रहा, और स्टैचू ये रहा, कितना ऊपर, बिल्कुल पूरी खड़ी गर्दन करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो ये
ये आ गए हम पैरों के पास। कितने बड़े हैं चप्पलों की सिलाई भी लगी। सो गाइस नाउ दिस टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो भाई इस प्रॉपर्टी को करते हैं बाय बाय और हम चलते हैं आगे के लिए, और आगे भी घूमने जाना है।